पन्ना जिले के शिक्षा विभाग में पदस्थ लिपिक को लोकायुक्त पुलिस ने 3000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। स्कूल का ड्रेस कोड और मान्यता प्रमाण पत्र पर जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर कराने के एवज में लिपिक मोहन मिश्रा ने प्राइवेट स्कूल संचालक आनंद पटेल से रिश्वत मांगी थी। मोहन मिश्रा ने 3000 रुपए लिए जो कि मैंने उन्हीं को दिया और वो मेरा काम करवाने के एवज में ले रहे थे और उन्होंने कहा कि ये यू साहब बजाय लिए ये काम करते हैं। आनंद पटेल की शिकायत पर सागर लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही करते हुए बाबू मोहन मिश्रा को रुपये लेते पकड़ा और बाबू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की। आवेदक आनंद कुमार पटेल निवासी पन्ना ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष पेश होकर एक लिखित आवेदन दिया था, जिसमें इस बात की शिकायत थी कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाबू मोहन मिश्रा द्वारा 3000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। उक्त रिश्वत की मांग जो है आवेदक के द्वारा वर्ष 2016-17-18 में शासन द्वारा रजिस्ट्रेशन करा करके स्वयं का सरमन स्टेट पब्लिक स्कूल चलाया जा रहा था, जिसका डाइस कोड जो उनको मिला हुआ था वो कंप्यूटर में ऑनलाइन शो नहीं हो रहा था। उसका प्रोफार्मा तो निकल गया था, किंतु उस प्रोफार्मा में जब तक इस DO ऑफिस से जिला शिक्षा अधिकारी साहब के हस्ताक्षर नहीं होते, सीएम नहीं लगते, तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता, ऑनलाइन शो नहीं होता। उसी के आवाज में रिश्वत की मांग की गई थी, जिसका सत्यापन कराया गया। तो सत्यापन सही पाए जाने पर आज दिनांक को आवेदक के द्वारा 3000 रुपए लेकर के भेजा गया और आरोपी मोहन मिश्रा जो यहाँ पर बाबू ने सहायक रेट थी वो 3000 रुपए देते हुए रंगे हाथ। पन्ना से राकेश पाठक की रिपोर्ट।